चल रहा है हम लोगों का बारासत का काली पूजा प्रिपरेशन, मीन्स प्री पूजा कैसे प्रिपरेशन लिया जा रहा है वो देखने के लिए मैं और मेरे भाई आए हैं। तो इस पूजा पंडाल का नाम क्या है सुदीप? ये बारासत नवापल्ली एसोसिएशन है। बारासत नवापल्ली एसोसिएशन। और इस पंडाल का थीम क्या है? मतलब आप लोग, मतलब मैंने जितना सुना, मतलब जितना जान पाया, वो इस बार गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है वो सोमनाथ मंदिर बना रहा है। सो गाइस, गुजरात का सोमनाथ मंदिर बहुत ही फेमस है, मोदी जी का तो मीन्स आना जाना रहता है। सो अगर आप कोलकाता में आ रहे हो, अगर कोलकाता में अगर काली पूजा मीन्स बारासत का काली पूजा देखना चाह रहे हो, सो गाइस आपको इस पंडाल में आना है। बिकॉज आप गुजरात में नहीं जाकर कोलकाता में रहकर भी गुजरात का फीलिंग, सोमनाथ मंदिर का फीलिंग्स पा सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पर पूरा ये जो मैदान है पूरा चारों तरफ आप देख सकते हो यहाँ पर काम चल रहा है। तो गाइस, सोमनाथ मंदिर अंदर से कैसा इन लोग बनाए हैं, तो चलिए अंदर जाकर भी एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइज, ये है जस्ट लाइक सोमनाथ मंदिर के इंफ्रास्ट्रक्चर को डैम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। तो चलिए फ्रंट में भी हम लोग जाएंगे, तो उसके बाद पहले हम लोग अंदर में जाकर देख रहे हैं यहाँ पर अंदर का सीन क्या है। सो गाइज, आप देख सकते हो चारों तरफ यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, और बात करने से पता चला यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा आर्टिस्ट ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, पंडाल बनाने के लिए काम कर रहे हैं लगभग 2.5 महीने से, और भी नेक्स्ट 10-15 दिन काम चलेगा, उसके बाद ये पूरा पंडाल का शेप आ जाएगा। आप देख सकते हो ये ऊपर का डेकोरेशन पूरा सोमनाथ मंदिर के स्टाइल में ये बनाया जा रहा है, इट्स अ ग्रैंड सेलिब्रेशन। आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक एग्जिट है, यहाँ पर भी बाहर बहुत सारे लकड़ी बांस रखे हुए हैं, बहुत काम चल रहे हैं, और ये एंट्रेंस में भी बहुत सारे ऐसे काम बाहर चल रहा है। तो आपको दिखाना चाहता हूँ ये होगा जब पूरा पंडाल तैयार हो जाएगा, दिस विल बी द एंट्रेंस फॉर द जो दर्शनार्थी आएंगे, यहाँ से अंदर आएंगे, और आने के बाद ये सीधा इस जगह पे जो माँ का जो मूर्ति वो यहाँ पर रखा जाएगा। तो लोग आएंगे, ये दो साइड से एग्जिट का हुए हैं। सो गाइस, अगर आप चलते चलते थक जाओगे तो आपके लिए तो दूसरा फैसिलिटीज़ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर पंखा भी है, और पंखा के सामने हम लोग भी थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं, बाहर तो बहुत धूप है। सो पंखा के सामने आ जाइए, थोड़ा सा चिल हो जाइए, पंखा के सामने खड़े होकर आप देख सकते हो माँ का जो प्रतिमा है, और देख कर यू कैन फील द एक्यूरेट सोमनाथ मंदिर का एक फ्लेवर। सो गाइस, सोमनाथ मंदिर देखने के लिए अगर आपको गुजरात जाना पॉसिबल नहीं है तो मत जाओ, आ जाओ कोलकाता में। कोलकाता के पास ही बारासत शहर, जो कॉलोनी मोड़, जो मेन सेंटर है इस शहर का, कॉलोनी मोड़ से जस्ट 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है ये नवापल्ली एसोसिएशन पार्क का मैदान पे ये ग्रैंड सोमनाथ मंदिर तैयार हो रहा है। सो गाइस, अगर बारासत आने का प्लान कर रहे हो, इस मंडप को मिस तो नहीं करना है। सोमनाथ मंदिर का ट्रिप ये ख़त्म करके अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं। आप देख सकते हो ये अभी भी तैयार, ओके अभी भी तैयार नहीं हुआ है। आप देख सकते हो बहुत खाली खाली जगह है, तो यहाँ से हम लोग एग्जिट करना पड़ रहा है। सो चलिए बाहर चलते हैं। अगर ये प्री पूजा परिक्रमा अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना हम लोग हार्डशिप क्यों कर रहे हैं, आपके लिए, आप लोग घर बैठे देख सकते हो, इन्जॉय कर सकते, इसीलिए आपको दिखा रहे हैं ऑल दिस स्टफ। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग episode.